अभी सांस हम लोग 24 कला कैसे सांस लेते हैं वो आपको हम बताएंगे, और उसका साथ 6 एक्सरसाइज है जो आपको डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट बॉडी का पार्ट्स का डिफरेंट वे में हम लोग कैसे सांस, वो एक्सरसाइज होते हैं 6 का। तो पहला आपको हम थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं 3SRV अबाउट, फिर आपको हम कैसे सांस लेते हैं वो भी दिखाएंगे और एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे। थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग इज एन एंशियंट टेक्निक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन व्हिच कम्स फ्रॉम द योग सूत्र ऑफ सेज पतंजलि, the oldest and the most comprehensive test of yoga. The technique was never revealed to the public and handed down from guru to shishya for centuries as a secret tradition. It was only in the 80s that S.N. Tawariya Guruji, a rishi of present age and a household, began teaching this technique to his student in Bombay and termed as 3SRV, giving it a public forum for very first time. Today, this system has hundreds of followers in India as well as throughout world. So now, what is 3SRV? It is basically consist of 6 simple breathing exercise sets to a particular rhythm over mind and body. We do not have direct control. Breathing is unique, and that it is the only body function we can control and make rhythmic. Three-step rhythmic breathing is the rate of breathing we are born with. As we grow, this natural rhythm is speed up by our thought. Just as thought affects breathing pattern, if breathing is controlled, three-step breathing restore things is also controlled and rhythmic. Okay, now I will explain you how to take breathe in the normal way. We used to take breathe हम लोग का जो ब्रीद होते हैं उसका चल रहा है आपका, जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड है। कभी आप गुस्से में होते हैं तो आपका सांस जल्दी चलना चालू होता है, कभी आप थकान पे आते हैं तो एकदम माइल्ड स्लो होते हैं। तो उसी से हम लोग को जो रियल जो ब्रीद है, जो नेचुरल ब्रीथ, वही ब्रीथ हम लेके जब हम पैदा हुए थे वही ब्रीथ लेके होते हैं। लेकिन जब हम लोग ये सब बढ़ना चालू हुआ और जो गुस्सा और ये जो आना चालू हुआ, जो रियल ब्रीथ हम लोग भूल गए। तो एक म्यूजिक, ये ब्रीथ के लिए एक म्यूजिक सेट किया है, 2 मिनट आपको म्यूजिक हम चालू करते हैं।
ये जो ब्रीथ है दिस इज द नॉर्मल ब्रीथ वी यूज टू टेक इट दिस इज द म्यूजिक द वे आई विल टेक द ब्रीथ इन द नॉर्मल दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज दिस इज द ब्रीदिंग वी विल टेक अच्छा आई विल शो यू यू पुट योर हैंड ऑन चेस्ट एंड द स्टमक एंड ब्रीथ शुड बी साइमल्टेनियसली व्हेन यू ब्रीथ इन योर चेस्ट एंड स्टमक विल be out and when you will breathe out your chest will chest and stomach will be in this is the way we take breath now the thing is in what way we will take breath see in 1 minute it's a cycle of 5 seconds 3 seconds we take the breath in and 2 seconds that portion of breath will be out this is the 5 second the 5 second will take so in 1 minute we will take 12 cycles in 1 minute this is the natural way of breathing this is not the exercise you have to be tuned with that so put a hand on the chest and the stomach and you If you sit straight, then it will help you to take the breath properly. आप सीधा अगर बैठेंगे तो 1, 2, 3 सांस लेने का है 5, 6 बीच में 4 का हम बाद में बात करेंगे तो ऐसे ही हम लोग ये नॉर्मल ब्रीथ का एक पैटर्न है सो Five, six, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. One. 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. ये आप लोग this is the normal breath. ये आप लोग practice करेंगे daily आप practice कीजिए 10 minute 20 मिनट करके ये फेज वाइज ब्रेक का साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा दिस इज़ द नॉर्मल ब्रीदिंग दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज यू हैव टू मास्टर ऑन इट एक बार आप ये चीज़ आपका आ जाए तो मेरा गुरुजी बोल के गया आगे और कुछ ज़रूरत नहीं ये है नॉर्मल ब्रीथ का अभी आपको हम 6 एक्सरसाइज दिखाएंगे डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट एरिया में जो है उसका ही हम 6 एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे उस एक्सरसाइज एक एक मिनट आपको करने का है और डेली करने का है पहला एक्सरसाइज चेस्ट का होगा ये चेस्ट का तो ये चेस्ट में आपको अभी जो आपको दिखाया मिनट में 12 बार वो नॉर्मल ब्रीथ का है वही 1, 2, 3, 5, 6 लेकिन वो एक्सरसाइज 3 गुना हो जाएगा वो मिनट में 36 बार होगा तो पहला एक्सरसाइज ये चेस्ट का है चेस्ट को आपको पहला एक्सरसाइज करने का है तो ये चेस्ट में पहले आप ये चेस्ट में हाथ रख के फिर 1, 2, 3 सांस लेने का है 5, 6 छोड़ने का है तो ये सांस आपका वॉल्यूम डबल होना चाहिए क्यों ये एक्सरसाइज है दिस इज नॉट ए नॉर्मल ब्रीथ तो डबल होना चाहिए 1, 2, 3, 5, 6 वही है 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6
तो आप चेस्ट में हाथ रखिए, ओनली चेस्ट, और चेस्ट में 1 2 3 5 6 1, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे चेस्ट में, और बाकी आपको थोड़ा पेट भी हिलेगा, तो डोंट कॉन्सेंट्रेट, ओनली यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द चेस्ट, ठीक है। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6, आप आँख खोला रखिए तो अच्छा होगा, एक्सरसाइज ना, इफ यू ओपन योर आइज, और आप चेस्ट में, सिर्फ चेस्ट में हाथ रखिए, पेट में नहीं, नहीं नहीं, दोनों हाथ चेस्ट में रखिए, और आप स्पीड में आपको सांस लेने का है, 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6, ठीक है। ये आपको, ये म्यूजिक से आपको करने का है, ये आप ऑब्जर्व कीजिए म्यूजिक कैसे होता है, 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, जितना हो सके लीजिएगा, तो ये आपको फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये सब आपको खुलना चालू होगा, तो आपको जो डिजीज़ चेस्ट में ब्लॉकेज है, ये है, ये सब आपको खुल जाएगा। वन टू थ्री तक आप, ये आपको सांस लेने का, ये हाँ, अगर डिजीनेस होगा, इज गुड फॉर योर, ये नॉट नॉट दिस एक्सरसाइज, बट इफ इट इज, यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल टेक केयर, ओके। मैडम आप म्यूजिक का साथ कीजिए, आप म्यूजिक से अलग करें, 1 2 3 3 तक आप सांस लेने का, वही सांस 5 6 में छोड़ने का, नहीं आप फॉलो नहीं कर पा रहे, एक मिनट, आपको आपको आप थोड़ा उठ के बैठेंगे, हाँ हाँ इट, अच्छा, ये चेस्ट में हाथ रखिए, पूरा दोनों हाथ चेस्ट में रखिए, 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, तो आप थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा म्यूजिक के साथ, वो साथ में आप करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, दिस इज़ दी फर्स्ट एक्सरसाइज, आई विल शो दी सेकेंड एक्सरसाइज इज दी पेट का, स्टोमक का, ये जितना एरिया है इसका इसका मैसेज होगा, और उससे भी नहीं, उसका ठीक है, उसका उतना प्रॉब्लम नहीं, आपको जितना हो सके आप आगे उतना करिए, धीरे धीरे आपको वो उसका डिसॉल्व हो जाएगा, उसको कोई रिसेंटली हुआ क्या, बहुत टाइम से है, तो वो ठीक है, उसका ये आपका जो बॉडी जितना हो सके आप उतना कीजिएगा, धीरे धीरे उसको आप इंक्रीज करेंगे तो आपका
बाद में वो फायदा मंद नहीं होगा। अच्छा, तो वही म्यूजिक का जो हम लोग चेस्ट में ले रहे थे, सेम म्यूजिक विल स्टोमक में लेंगे। तो 1 2 3 आपको सांस जब लेंगे, ये है कॉन्सेप्ट है बेलून, आपको जब हवा भरेंगे तो बेलून बाहर होना चाहिए, तो उसी मुताबिक आपका स्टोमक जब 1 2 3 सांस लेंगे तो बाहर आना चाहिए, और 5 6 में कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा ही होता है सबके, वो उसमें आपको ध्यान देने का है, ठीक है। तो आप 1 2 3 आप लीजिए, सब आप ये कीजिए, 1 2 3 सांस लेने का है, तो आप सीधा होके बैठिए तो आप लोग को अच्छा होगा। 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 सो आपको तो आपको आपको जब सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए। ये भी 36 टाइम, एक मिनट का 36 टाइम आपको भी। अभी म्यूजिक हम चालू करते हैं, तो म्यूजिक के साथ ही आप करेंगे। 1 2 3 तक आपको सांस भरने का है पेट में, और 5 6 छोड़ने का है। हम देख नहीं पा रहे बट यू आर डूइंग ने राइट वे। सो 1 2 3 स्टमक विल कम अप। नहीं, आपका उल्टा हो रहा है, म्यूजिक को आप फॉलो कीजिए। ये जो आप पेट आगे हो रहा है वो सांस के साथ ही होना चाहिए, मांसल का नहीं। सिर्फ मांसल हो रहा है, आप सांस नहीं ले रहे हैं, वो भी नहीं होगा। आपका सांस का साथ वो पेट बाहर होना चाहिए, और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज, दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज आपको जो आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठेंगे, तो थर्ड एक्सरसाइज में आपको पैर टो पकड़ के ये एक्सरसाइज है, और जिसका आप नहीं सकेंगे तो आगे आप देख लीजिए, नहीं तो सामने में चेयर भी ले सकते हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं। अच्छा, ये पैर थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड एक्सरसाइज,
ये बोट बोट है स्टोम अच्छा बोट चेस्ट एंड स्टोमक के लिए दिस थर्ड एक्सरसाइज फॉर बोथ चेस्ट एंड स्टोमक हैव यू सीन नो प्रॉब्लम ठीक है ना अच्छा चेस्ट एंड स्टोमक पैर ये पैर एक साथ होना चाहिए और आपका आपका टो को पकड़ने का जिसका नहीं हो रहा है उन्होंने जिधर में भी हो पकड़ सकते हैं आपका ये पीछे पीछे जो है वो स्ट्रेच होना चाहिए समझ गया ये बैकबोन को ये एक्सरसाइज बैकबोन के लिए है बैकबोन के लिए तो आगे आपको पकड़ने का है फिर ये दो करके जिधर में भी आप बैठेंगे उसको सीधा देखने का है सीधा देखने का है और सेम थिंग जैसा फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में जैसा म्यूजिक था वही म्यूजिक का ऊपर ही आपको करने का है वन टू थ्री आपका पहले चेस्ट था सेकंड वाला स्टोमक था थर्ड वाला चेस्ट एंड स्टोमक दोनों एक साथ ही होएगा ठीक है तो आपको जहाँ जिधर पे हो पैर हाँ पैर ऐसा होना चाहिए आपको पकड़ने का है अगर नहीं आप पकड़ सकते तो धीरे धीरे हो जाएगा आपको जिधर पकड़ने का है उधर ही पकड़ ठीक है तो करके वन टू थ्री फाइव सिक्स वन टू थ्री फाइव सिक्स टू थ्री फाइव सिक्स टू थ्री फाइव सिक्स वन टू थ्री सांस लेने का फाइव सिक्स छोड़ने का वन टू थ्री सांस लेने का फाइव सिक्स छोड़ने का अभी यही म्यूजिक से आपको करने का है पहला चेस्ट दूसरा स्टोमक थर्ड ये बोथ चेस्ट एंड स्टोमक टचिंग द फीट ये तीनों आपको वही एक्सरसाइज उसमें करने का है ये अगर हाँ और आपको सीधा हाँ वन टू थ्री फाइव सिक्स वन टू थ्री फाइव सिक्स अच्छा आपको जितना हो सके कीजिए नहीं नहीं आप स्ट्रेच कीजिए आप ऐसा स्ट्रेच कीजिए आगे झुकने का नहीं एकदम बॉडी हाँ बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए नहीं तो आपको आप यहाँ होगा यहाँ पकड़ लीजिए ठीक है और थ्री तक आप सांस लेने का है और वही सांस पाँच छः में छोड़ने का है ठीक है अभी ये थर्ड एक्सरसाइज हुआ ठीक है वन टू थ्री द फोर्थ एक्सरसाइज आपको क्या एक पूरा सांस को पांच टुकड़े में आपको सांस लेने का है और पूरा वो जो सांस को एक एक पूरा एक में वो छोड़ने का है पूरा मुंह से नाक से आपको पांच टुकड़े में सांस लेने का है और मुंह से एक साथ वो छोड़ने का है या यू कैन से एक साथ में छोड़ने का है ठीक है आप एक बार देख लीजिए तो पांच टुकड़े में आपको सांस लेने का है एक टुकड़े में वो पूरा सांस मुंह से छोड़ने का है ठीक है
आप बैठ के कीजिए, चेयर में कोई ये नहीं। थर्ड एक्सरसाइज आप अगर जमीन पे बैठ के करेंगे तो उतना ही फायदा होगा, और विद म्यूजिक। और बाकी आपको चेयर में बैठ के क्या बिस्तर पे बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और आउट। तो आपको सांस लेने का है, तो 1 2 3 4 5 आउट, 1 2 3 4 5 आउट, 1 2। नहीं, आपको क्या, आप सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। सांस को सात, हाँ अच्छा ठीक है, तो 5 बार नहीं हो रहा है तो 3 बार कीजिए। हम 3 बार, हाँ हाँ, धीरे धीरे ये आप 5 टाइम्स में लेके जाएंगे। चल हम 3 बार करेंगे, और जितना हो सके जान से आप निकल दीजिएगा, समझ गए। एकदम ये सिर हिलना चाहिए, तो जितना आपका सिर पे इतना बोझ है वो निकल जाएगा। अच्छा, आपको हम दिखा देते हैं 3 में। हाँ, अच्छा, एक्चुअली इट इज 5 टाइम्स। इफ यू कैनॉट डू इट, यू स्टार्ट विथ 3 टाइम्स एंड देन यू गो टू 5 टाइम्स। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 आउट, ठीक है, 1 2 3 आउट, 1 2 3 आउट, 1 2 3 आउट, 1 2 3 आउट। वो सांस का साथ ऐड करने का है, आपको छोड़ने का नहीं। आप सांस लेते हैं छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। सांस को आप उसका साथ ऐड करने का है। आपको मान लीजिए इतना सांस आप ले सकते हैं, तो पहला एक, उस दूसरा एक, तीसरा, पूरा सांस लिया, फिर एक ही, हाँ एक ही झटके में आपको निकलने का है, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं, मुंह से लेने का है, नाक से, और छोड़ने का है मुंह से। 1 2 3 आउट, 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 ठीक है। दिस इज द 4th वन। नाउ आई विल टेल यू, 1 मिनट, एक नहीं, दिस पार्ट, दिस बॉडी विल बी, द होल बॉडी विल बी शेक्ड, द ऑल द नर्वस सिस्टम विल बी शेकन, मेनली फॉर द पार्ट ऑफ इट। हाँ, डिजीनेस क्योंकि आपको हम बताता हूँ, आपको क्या हो रहा है, अभी इतना दिन आप सांस ले रहे हैं, प्रॉपरली सांस नहीं ले रहे, अभी सडनली वो सांस ले, एक्सरसाइज दरिया से ज़्यादा आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसमें से आपको सिर का ये हो रहा है। नहीं, ज़्यादा ऑक्सीजन से के लिए हो रहा है, अभी से वो तो दूसरा है। हाँ, तो ये जो अभी है, इट हैपेंस समटाइम्स दोज हु आर नॉट टेकिंग प्रॉपरली ब्रीथ एंड दे आर नॉट फुल्ली विद द ऑक्सीजन, इन दैट केस इट हैपेंस। सो you are washing out your carbon dioxide, that's why you feel giddy. Then you are doing fast breathing, you are throwing up, you are washing out your carbon dioxide more. So it can happen and it's fine, you will get used to you, and when you get exercise nothing will happen then slowly. Nothing will happen, it if will you just take care. Keep breathing in and out constantly, you know, this will happen to anybody. So it is happening because of washing out of your carbon dioxide. For 1 or 2 3 days, if you do it regularly, after that you will used to it, and that dizziness will go away. Heaviness is here. Heaviness will go away.
In fact, you are facing here, but it happens to whole of the So fifth exercise is the exercise of 5 seconds. You have to take the breath. 5 seconds. You have to hold that breath, and then another next 5 seconds. You have to release the breath. 5 seconds, not in 2 seconds and or slowly. That should goes to 5 seconds, and then 5 seconds without breath. Hold. Both you hold. After inhalation, you hold it, and after exhalation, then also you hold it. Okay, that part I will count it as a 5. You take the breath up to 5, and hold it up to 5. I will count it, and then again I will count up to 5 to release the breath, and next. I will count the 5 and you will don't take any breath. Okay? This is 20 seconds. 5, 5, 5, 5. 20 seconds. So in 1 minute it will be 3 times. Okay? So, सांस पूरा. जब आप सांस लेंगे, ये जो all exercise है ना, सब breath का ही exercise है. आप concentrate करेंगे only breath का ऊपर. No body movement, no muscle movement, nothing, only breathe. Only breathe, but see, normally when we do any yoga or pranayama, they say when you are breathing in, the stomach should come out, and breathing out, the stomach should go in. So that principle will remain throughout the same way in all the 6 seconds, whatever exercise you are showing. But that is true. If I'm laying it, the stomach should come out when you are breathing in. Acha, right. When I'm holding, then it will just stay like that. Right. When I'm exhaling, the stomach should go in. Go out. That even principle will stay, no? So yeah, that principle will stay. Even in 24 hours, when you, when you take breath. When we are not aware, no, I think we are just doing ulta. Ulta, huh? All if you are aware, then you are doing. But you, initially, you cannot do it for it. So, dhire, true. Yes. So, breathe in, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. Exhale, 2, 3, 4, 5. Without breath, 2, 3, 4, 5. Inhale, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. Exhale, 2, 3, 4, 5. Without breath, 2, 3, 4, 5. Inhale, 2, 3, 4, 5. Hold, 2, 3, 4, 5. Exhale, 2, 3, 4, 5. Without breath, 2, 3, 4, 5. This will take 1 minute to that exercise. And so, how many times, like, what is your typical pattern? 3 times in one minute. 20 seconds. So this one is the 5th, and the 6th exercise. 6th exercise is you have to breathe fully in chest and stomach, and then you have to hold the nose and lock your chin in the hollow of the neck. Okay, and then you have to gulp your saliva without taking the breath and air. Samajh gaya? Ek bar hum dikhate hain how it is been done. Five times you gulp it and then come out. This you have to do it 5 times in 1 minute. Sure. First you breathe fully with chest and stomach. Hold your nose and put your chin in hollow of the neck.
and put the other hand on the back of the, so that you can put some of the pressure on the hollow of the neck, okay? And then by holding his nose, you gulp saliva. Pehle aap 5 time. I need to open up my mouth to swallow. I just can't with the nose closed. I just can't swallow. You have to. One time, two time. Then only I can swallow. No. Then the purpose is not. But now you do it too. One. जब कर दिया नहीं, I can, I feel कि I can't, मेरा मुंह खुल जाता है swallow करने के लिए, swallow नहीं कर सकता. नहीं, आपको करना पड़ेगा. You have to practice for that. No, you be relaxed. Don't put your pressure like that. Be relaxed. I'll tell you, I do it. I know. I see you, but मेरे को पहले बट हाँ, वो होएगा. That is not the issue. Initially, you do it one or two times. धीरे 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 you increase to 5, and then एक बार हुआ ठीक है you start with one. ये every exercise is 1 minute. No, but it depends on, see, somebody within a minute does 75 times. Somebody, अरे बच्चे को आप बताएंगे ना, वो बच्चे लोग एक ही साइकिल में वो 80 टाइम्स तो शुरू में ही करता है. तो आप जितना हो सके कीजिए, बट हाँ दिस जितना हो सके मतलब 5 टाइम्स इन 1 साइकिल, तो दैट विल बी 5 साइकिल. तो टोटल 1 मिनट यू हैव टू डू मिनिमम 25, बट इनिशियली हाँ या see, you take breath full chest and stomach, okay? Then hold your nose and your chin should be locked in the hollow of the neck, and then you gulp the saliva. Then after 5 or 3 times you come up and release your neck. Then this you have to make it 5 times. Just make it one. So initially you may not able to gulp 5 times. If you gulp 3 times also, no problem. But you keep on, if you do it regularly, it will come to 10-20 times in one gulp. You come up and leave your and take a breath. Then again you do it. This cycle will 5 times. No, you breathe out with nose. After gulping for 5 times, then you open up. That is what he said. We come up and then breathe out from where? Nose or mouth? Nose, normal. It's normal. Okay. These are this. Benefits of this exercise. This will clear your all sinus and everything. This your problem is because of, I feel having dot sinus, but all those will be clear. Your eustachian tube openings will open. Yeah, so you will find sometimes your this is opening. Yeah, ear also get blocked when you gulp it. There is a sound comes from the ear. Not everybody, but most of the I found. So these are the 6 exercises. We haven't done this. This is the toughest. Huh? No. You do it now. Yeah. These are the, okay. Do it. No. It's okay. Obviously. Yeah. No. After that, I will start from first to okay. But you practice it. Acha. You breathe fully. Hold your nose. And lock your chin. And put some pressure from the other hand on the back of your neck and gulp. ठीक है, तो धीरे धीरे आप, बट रेगुलर कीजिए तो होएगा ही. डू इट नाउ. हाँ जी, ओके.
I could do it four times and it's. But I think I have to create little saliva so that I swallow. Right? So automatic. If you wait now. Move my tongue. So yes. Saliva, then I can gulp. Get the pressure. Yeah, what I have told you just now. Yeah, that is happening. Okay. That happens. You try out 3-4 times, you do everybody. Another 4-5 times. Do it. You get a bang on ears. Okay, it's normal, right? Yeah. You can feel the bang. But if it, that's when you are doing right. Because you put pressure from, you know, all here. That is it. Now, acha, let it be over and then. Then I could do it. It takes time. It will take time. See, initially you are saying you cannot. The palm is to be kept on the neck on those. No, on the back of the purpose is your chin should be locked in this hollow of the neck. That is the purpose. If you can without pushing your hand, if you can do it, that is also okay. Somebody can also do it. So these are the six exercises, and what we'll do. This six exercise goes for 9 minutes. After six exercise, the third exercise, you remember, I'll show you. You have to put your leg straight and this will be the seventh. Again, you do it for 1 minute. Seven. And then eight. Eight. The second one comes again eight. And it ends here. Then ninth. Okay. So the first one becomes the ninth. First one. Second one becomes eighth. The third one becomes the seventh. After six cycles again. After three, two, one. Three, two, three, one. Two, one. So this is the 9 minutes exercise. You have to do it regularly in the morning. If you do it early on the bed, is very good for you, because when you get up, immediately if you do it on the bed itself, nothing like it. So your mind was fresh and you can. Your body was free, you can do it more. You can do it better way than here. And if not, you can do as a any time when you will get it. But it's preferred if you do it in the morning. Okay? This is the thing. And if you say, suppose has taken food, then you have to give 4 hours in between. So, and first month you have to do 1 minute. Try to do it within a month so that you move to second month 2 minutes. Those who have some problems, heart problems, he can do it for another 2 months. Slowly you will be more familiar with the exercise. And I feel that if you do it properly, any of the disease will go away. Yeah. Any seven, type of. Seven exercises, how many minutes? Seven, 1 minute. 1 minute. 1 minute. Within 1 minute, you're doing seven exercises. No. One minute is seven. Seventh exercise is. 1 minute. This is the. By sitting, you putting your leg straight and holding your toes and doing. Cycle, how many minutes? 9 minutes. All the six exercises, you have to do it in 9 minutes. Sir, eighth exercise is stomach exercise. Stomach. That second one is stomach. And the first one is ninth. So, agar khana kha liya, to beech mein 3-4 hours gap deke aap. Aur agar khali chai pi liya hai, agar, to kar sakte hai? Haan, kar sakte. Kyunki sukha mein kabhi kya, jaldi agar kuch chai pi liya, to bhi exercise kar sakte hai. Kar before, because yes, you're yes. not going to have food, lunch. No. They are 10 to 15 minutes. Just one cup of tea, one make if you take water, you give 10-20 minutes. Okay. And I will from this music you have to do it from the beginning. I will for the exercises 9 minutes. I have shown the exercise how to do it.
nothing to worry. Whatever is So, yaad need hai. So, I will start it. Haan, ek minute ka. What's about four? What about four? Is I tell you transition. Transition. Yes. Transition. What happen when you take you breath? Right. Okay. Chal. Sir, I am here. Chalo, tabiyat theek. Okay. Tomorrow we meet. Tomorrow meeting. My God. What happened on 4th, what is happened, you breathe in and breathe out. There is a turning point. If you go and count 4th, then there is a pause. The breathe in and breathe out, there should not be any pause. So that gets silence. So 1, 2, 3, breathe in, 5, 6, breathe out. So simultaneously you can breathe out in 5, 6. That is the my Guruji today, who is he has not yet come today, not able to come, but on Sunday there is a beginner session in Andheri, opposite Amitabh Bachchan Bangla, Sinat Mandir hai, और प्रतीक्षा का वो बंगले का ऑपोजिट में हवेली जुहू हवेली फ्रॉम 9:30 to 11:30. इफ यू कम ओवर देयर यू विल नो मोर अबाउट इट. आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हिम एंड नाउ आई विल यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स एक्सरसाइज इन 9 मिनट्स. ओके. Let me start the music. Just a minute, I will tell you then. Now you start. You do it with me. You see me. If you have any question, you can ask. No problem. You have to hold the chest. Firmly. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Now you have to take breath up to 3. 1, 2, 3. Try to take breath. 1, 2, 3, 5, 6, 1. Dhire. You take it up to 3. So, utna fayda hoga aapko. आपको हाथ हिलाने का जरूरत है. अब सांस से आपको पेट बाहर आएंगे. You're getting it, no? Third. Third.
You hold it. No, you hold it if you can. You hold it too. And this back should be straight. Now, I will count three. What's the name? One, two, three, out. 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 One, two, three. She's taking her nose. Yeah, yeah. She has to take through nose, but she is taking nose. Yes. Aap mere ko dekhi. Movement, body movement, any kind of face movement should not be there. Jitna minimize karenge, utna hi acha. Saas ka saath aap saas lenge, three and out for one. Our body ko relax karke. You should inhale with your nose. Exhale with your mouth. Exhale in your body. Inhale in through nose and exhale through mouth. Theek hai? One, two, three. और थोड़ा करेंगे इससे आपको क्या है अच्छा फ्रेशनेस आएगा हाँ क्योंकि ऑल नर्व द बॉडी एंड द ब्रेन गेट मैसेज इट गेट शेक एंड सो यू विल बी फील रिलैक्स आपको जगह दिया हाँ तो यू विल बी रिलैक्स वन टू थ्री आउट वन टू थ्री आउट वन टू थ्री आउट वन टू थ्री आउट One, two, three, out. 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 Then music ko hum chalu karte hain. 5 second aap saans lenge, 5 second hold karenge. See, this music is 5 seconds. Tense again means 1 minute. Then you, the sixth one. Saans lijiye, naak band kijiye, lock your chin, and kijiye 5-6 times, jitna ho sake. Thank you.
then seventh one. Seventh one is you straight your. Hold your. Madam. 1, 2, 3, 5, 6. अब म्यूजिक का साथ नहीं हो रहा है आपका. वन टू थ्री फाइव सिक्स थ्री फाइव सिक्स वन टू थ्री फाइव सिक्स नहीं आप बॉडी हिलना नहीं चाहिए. आप बॉडी क्यों हिला रहे हैं? आप एवरी बॉडी we still only breathe, your chest and stomach will be moved. Second. If you feel greedy, na, you can hold it. If you feel greedy, you hold it. This is the sixth exercise. You have to do it 9 minutes, and the other 24 hours. I told you, na, if you keep on the any gadget or music or in mobile, all musics are available in the net. You keep on playing it. And accordingly, you take your breath, and that will be set your pattern. And what all the existing is there? Yeah. I'll tell you. There will be a count also. After sometimes, कुछ दिन का बाद वो 1, 2, 3 आपको सुनने को आएगा नहीं. वो music भी आपको हम दिखा रहा हूँ. मेरा पास जो music है. Five, six, 1, 2, 3, 5, 6. आप म्यूजिक पकड़ रहे हैं ना? 1, 2, 3. यही म्यूजिक, ये एक्सरसाइज नहीं है. आपको घर पे, जिधर पे आप जहाँ भी जाए, मोबाइल पे, जिधर पे आपको रख लीजिए और ये म्यूजिक चालू रखिए. आप काम भी कर सकते हैं साथ में. ये भी पीछे मिल ब्रीदिंग फॉर regularly those who are all the 24 hours. This is the breath. If continuous आप चालू रखेंगे घर पे ये आपको
सुनने में आएगा और यू कैन ऑल्सो टेक अकॉर्डिंग टू दिस. अच्छा अभी